नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर्स एंड मनी चैनल पर, जहां पर हम कई तरह के विषयों पर वीडियोस बनाते हैं। परंतु जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, हम एक पांचवी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत तरह से यूनिक है और वो कैसे यूनिक है मैं आपको थोड़ी देर में एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के क्रिएटर ने बोला है कि स्ट्रैडल हो या स्ट्रैंगल हो, इस स्ट्रैटेजी में जो रेंज है प्रॉफिटेबल होने के लिए वो इन दोनों से कम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक स्ट्रैडल बनाया और इस रेंज को पार करना ज़रूरी है, चाहे वो इधर जाए चाहे वो इधर जाए, प्रॉफिटेबल होने के लिए। परंतु इस स्ट्रैटेजी के मुकाबले में ये रेंज और भी छोटी है। दूसरी बात कि ये स्ट्रैटेजी 3-leg स्ट्रैटेजी है और कैसे है वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। तो इस वीडियो में हमेशा की तरह हम देखेंगे डिस्क्लेमर। इस स्ट्रैटेजी के रूल्स और एक नई बात, इस स्ट्रैटेजी के यूनिक फीचर्स, और हम बैक टेस्टिंग करेंगे ऑब्स्ट्रा के ऊपर फॉर 6 days। तो आइए अब शुरू करते हैं। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि ये स्ट्रैटेजी हमारी बनाई हुई नहीं है और ना ही हम ये स्ट्रैटेजी आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिकमेंड कर रहे हैं। हम तो केवल कुछ पॉपुलर स्ट्रैटेजीज को पसंद करते हैं, चुनते हैं और ऑब्स्ट्रा पे उसको बैक टेस्ट करते हैं और हमारे व्यूअर्स के साथ उसके रिजल्ट्स शेयर करते हैं। ये किसी भी तरह की ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसलिए इस वीडियो का सारा कंटेंट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले हम व्यूअर्स को कहेंगे कि प्लीज़ 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 इस स्ट्रैटेजी को आप स्वयं भी बैक टेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लें और छोटे लॉट से ही शुरू करें और लास्ट हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है। आइए इस स्ट्रैटेजी के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में जान लें जो शायद मैंने कभी पिछले वीडियोस में नहीं बताया है। अगर आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजीज को अच्छी तरह से जानते हैं तो उनके मुकाबले में ऐसा क्रिएटर ने कहा है, उनके मुकाबले में ये स्ट्रैटेजी की जो रेंज है प्रॉफिटेबल होने के लिए यानी कि निफ्टी की मूवमेंट के लिए वो छोटी होती है। और इसलिए अगर आप उम्मीद करते हैं कि अगले दिन मार्केट साइडवेज रहेगी यानी कि रेंज बाउंड रहेगी, तो ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देने की नहीं है। पर फिर भी अगर गलती हो जाती है तो जो लॉस है वो छोटा अमाउंट ही रहेगा, ऐसा क्रिएटर का कहना है, मेरा नहीं। और आइए अब इस स्ट्रैटेजी यानी कि स्ट्रैटेजी नंबर 5 के रूल समझ लें। हमने इस स्ट्रैटेजी को निफ्टी में बैक टेस्ट किया है। ये स्ट्रैटेजी अच्छे रिजल्ट देती है ऐसा मानना है जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, इसलिए इस स्ट्रैटेजी को नहीं लगाना चाहिए जब अगले दिन की उम्मीद है कि मार्केट साइडवेज रहेगी। अब इस स्ट्रैटेजी में 3 काम करने हैं आपको। पहला, आपको एक लॉट पीई का 150 पॉइंट्स बिलो एटीएम सेल करना है। अब आईटीएम और ओटीएम के कन्फ्यूजन में नहीं पड़िएगा। दूसरा, आपको 50 पॉइंट्स अबव एटीएम एक लॉट पीई का बाई करना है। और तीसरी लेग होगी, आपको एक लॉट कॉल का 200 पॉइंट एटीएम से ऊपर बाई करना है। बस इतनी सी ये स्ट्रैटेजी यानी कि ये 3-leg स्ट्रैटेजी है। अगले दिन जब आप प्रॉफिट देखें तो आप बुक करें और निकल लें, और अगर लॉस दिख रहा है तो जल्दी से निकल लें। इसलिए ये स्ट्रैटेजी BTST की है और इसके क्रिएटर के मुताबिक ये स्ट्रैटेजी कम लॉस देगी अगर लॉस देने वाली कंडीशंस मार्केट में आती हैं। चूंकि हम ये बैक टेस्टिंग कंट्रोल कंडीशंस में कर रहे हैं तो रैंडम डेट्स का हम चुनाव नहीं करेंगे। हम 3 ऐसी डेट्स लेते हैं जिनमें मार्केट ट्रेंडिंग रही है और 3 ऐसी डेट्स लेते हैं जिनमें मार्केट साइडवेज रही है, ठीक है ना। तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और मैं देखता हूँ कि मार्केट ट्रेंडिंग कब रही। देखिए 14 दिसंबर को, ये हम एक डेट पकड़ लेते हैं, 14 दिसंबर को मार्केट गैप अप खुली है, तो इसलिए हम टेस्टिंग 13 दिसंबर की करेंगे, यानी कि 13 दिसंबर को हम ट्रेड लेकर घर जाएंगे। उसी तरह से ये जो आप डेट देख रहे हैं नीचे, 15 दिसंबर को भी मार्केट गैप डाउन खुली है, तो हम 14 दिसंबर को ट्रेड लेंगे और फिर हम अगले दिन 15 दिसंबर के लिए इसको टेस्ट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
मुझे 20 दिसंबर को बहुत बड़ी मार्केट ने नीचे की तरफ यानी बेरिश मूवमेंट दी है, तो हम 20 दिसंबर को टेस्ट करते हुए 19 दिसंबर को ट्रेड लेंगे। तो लीजिए, हमें 3 डेट्स तो मिल गई ट्रेंडिंग की, अब हमें साइडवेज मार्केट की डेट्स चाहिए। तो देखिए, ये जो कैंडल्स दो आप देख रहे हैं 18 दिसंबर और 19 दिसंबर, इन दोनों को हम टेस्ट कर लेते हैं एक एक दिन पहले। तो 18 दिसंबर वाली के लिए हम ट्रेड बनाएंगे 17 दिसंबर को, और 19 दिसंबर वाली के लिए ट्रेड बनाएंगे 18 दिसंबर। आइए अब कोई आगे का महीना देख लेते हैं जिसमें मार्केट नॉन ट्रेंडिंग रही है। ये देखिए, ये एक दोजी कैंडल ऊपर जाके बनी है, और ये कब बनी है? 16 जनवरी को। तो हम ट्रेड कब बनाएंगे? 15 जनवरी को। बस अब हमारे पास डेट्स आ गई, और मैं इस वीडियो को पॉज करके इन डेट्स को नोट कर लेता हूँ। वेलकम बैक। ये मैंने डेट्स नोट कर ली हैं, अगर आपने भी नोट कर ली तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको कोई जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंडिंग डेट थी 14, इसलिए हम ट्रेड बनाएंगे 13 दिसंबर को। ट्रेंडिंग डेट थी 15 दिसंबर, इसलिए हम डेट बनाएंगे 14 को। और 20 दिसंबर तीसरी ट्रेंडिंग डेट थी, इसलिए हम ट्रेड बनाएंगे 19 दिसंबर को। इसी तरह से नॉन ट्रेंडिंग डेट्स ये लिखी हुई हैं, और टेस्टिंग डेट्स यानी कि ट्रेड एंट्री की डेट्स उसके सामने हैं, और अब हम ट्रेड इन्हीं डेट्स पर बनाएंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं मेरी ऑप्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के ऊपर। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने में मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो चलिए, आज है 22 मार्च, तो हम आज के लिए ही बना लेते हैं ये स्ट्रैटेजी। तो इसकी एक्सपायरी 28 मार्च की रहेगी, और रूल्स के मुताबिक देखिए, ये है हमारा ATM जो है 22,100, और हमें इससे 200 पॉइंट ऊपर जाकर एक कॉल बाई करनी है। 22,100 तो ये हो गया 22,300, हमने एक कॉल बाई कर ली, और हमें 50 पॉइंट ऊपर जाकर हमें एक पुट भी बाई करनी है। तो 22,100 और 22,150, तो हमने एक पुट बाई कर ली, और तीसरी लेग है 150 पॉइंट नीचे पुट को सेल कर देना। तो 22,100 का हो गया 22,000, और 22,950 इसको हम सेल कर देंगे। तो इससे आपको रूल बनाना भी आ गया, और आप मार्जिन भी देख लेते हैं। तो कुछ पे ऑफ चार्ट ऐसा बनेगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं 22,000 के लगभग, आप इसको 23,000 पकड़ लीजिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो मैंने ये ट्रेड बना दिया है, इसको मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। हमारी निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 2880 यानी कि 20,900। समय होना चाहिए लगभग 3 बजे के बराबर, और हमने वो ले लिया है, और 20,950 पर हमने एक पुट बाई करी है, 20,750 के ऊपर एक पुट सेल करी है, और 21,100 यानी कि 200 पॉइंट ऊपर हमने एक कॉल बाई करी है। आइए अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। आपको इधर ध्यान देना है, 832 का लॉस हुआ है, 762 का लॉस हुआ है, और अब हम नेक्स्ट डे पे जाने ही वाले हैं। ये हम नेक्स्ट डे पे आ गए हैं, 1860 का हमें लॉस चल रहा है, 1970 का लॉस चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैक्सिमम लॉस इस स्ट्रेटजी के अंडर 3600 रुपए का होना चाहिए। 9:50 हो गए हैं, और लॉस हमारा कन्वर्ट हो गया है प्रॉफिट में, 140 का प्रॉफिट, 532 का प्रॉफिट, 192 का प्रॉफिट। मेरे ख्याल में एक लिमिट रख लेते हैं, 1,000 का प्रॉफिट होते ही हम एग्जिट कर लेंगे। अभी तक तो हम लॉस में ही हैं अधिकतर, 11 बजने को हैं, 1,000 का लॉस लगभग, 745 का लॉस। धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही है, तो शायद हम जल्दी ही प्रॉफिट में आ जाएंगे।
सिर्फ 82 का लॉस। एक बचने वाला है और हम एक छोटे से लॉस में अभी चल रहे हैं। प्रॉफिट में आ गए 1:10 पर, तो हम एक प्रॉफिट में आ गए 1355 पे। तो मेरे ख्याल में मैं इस पे पॉज कर देता हूं। तो अब हम 1355 लिख लेते हैं। लीजिए अब हम आ गए हैं अगले दिन यानी 14th of December, और इसकी एक्सपायरी होगी 21st of December को, क्योंकि 14 इटसेल्फ ही एक्सपायरी का डे है। तो हम ट्रेड लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ट्रेड ले लिया है। ये देखिए हमने 21,250 पर हमने एक लॉट बाई किया है, 21,400 के ऊपर एक कॉल हमने बाई किया है और सेल किया है एक लॉट 21,050 पे। ट्रेड कितने बजे बनाया है? 3 बजे, और ये रहा उसका पे ऑफ चार्ट। आइए अब इसको बैक टेस्ट करते हैं। हम प्रॉफिट में आ गए हैं पहले दिन ही। और ये हम नेक्स्ट डे एंटर कर चुके हैं, प्रॉफिट ठीक ठाक शुरू हो गया है। प्रॉफिट की फिगर यहां पर दिखाई दे रही है, 195 का प्रॉफिट हम देख रहे हैं, 242 का प्रॉफिट हम देख रहे हैं, 460 का प्रॉफिट हम देख रहे हैं, 712 का हम प्रॉफिट देख रहे हैं, 357, 220, 11 बज चुके हैं, छोटे से लॉस में। अभी तक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। मेरे ख्याल में हाईएस्ट फिगर 400 के आसपास थी। पर ये पिछले दिन के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिट की तरफ बायस रखता है। एक बच चुका है और अब हम 280 के प्रॉफिट में चल रहे हैं। दो बचने वाले हैं, 550 के लगभग प्रॉफिट, 790 प्रॉफिट, वेरी गुड। $510 profit, $650 profit,
630 प्रॉफिट, 1100 प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर 2000 प्रॉफिट इसको स्टॉप कर देते हैं और हम 2375 की फिगर को नोट कर लेते हैं 14:55 यानी 2:55 पे। सो दोस्तों, अब हम थर्ड डे की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। डेट 20 दिसंबर होगी, एक्सपायरी अगले दिन ही यानी 21 दिसंबर को होगी और 3 बजे का समय है। स्पॉट प्राइस चल रहा है 21,227, तो यानी 21,200 ले लेते हैं। 50 पॉइंट ऊपर हमने एक पुट बाई करी है, 200 पॉइंट ऊपर हमने एक कॉल बाई करी है और 150 पॉइंट नीचे हमने एक पुट सेल करी है। आइए इसकी बैक टेस्टिंग शुरू करते हैं। छूटते ही 1200 का प्रॉफिट, 1500 का प्रॉफिट, 1500 का प्रॉफिट और अभी हम नेक्स्ट डे नहीं गए हैं, 2300 का प्रॉफिट, 2500 का प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट नेक्स्ट डे, 4000 का प्रॉफिट और मैं समझता हूं कि इसको यहीं स्टॉप कर देना चाहिए। 4000 का प्रॉफिट हमें मिल गया है अगले दिन सिर्फ 9:25 पर, 4052। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट 3 दिनों का, जो कि है सिर्फ 22,000 रुपए की कैपिटल के ऊपर। आइए अब नॉन ट्रेंडिंग डेट्स को टेस्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बहुत ज्यादा बल मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी है और उसे आप बैक टेस्ट करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर हो सकेगा तो हम उसे ज़रूर बैक टेस्ट करेंगे और वीडियो बना के देंगे आपको। दोस्तों, अब हम आ गए हैं वो वाली 3 डेट्स को टेस्ट करने जहां पर मार्केट साइडवेज रही। आपको वो डेट्स याद है ना? नहीं याद तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये हैं वो डेट्स, 18th, 19th एंड 16th। और हाँ, एक मैंने गलती करी थी, मैंने 17 लिखा था जिसको मैंने ठीक कर दिया है 15th, क्योंकि 18th जो दिसंबर है वो मंडे है और 15 दिसंबर फ्राइडे है। तो ये हमने ऑप्स्ट्रा पे सब कुछ लगाया हुआ है, बस केवल टेस्ट करना है। आपको दिखा देता हूँ कि 3 बजे का समय है और बिल्कुल हमने जो भी रूल है उसके हिसाब से ट्रेड एंटर कर लिया है। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, 135 का लॉस, 127 का लॉस, प्रॉफिट हो गया 242 का प्रॉफिट, 390 का प्रॉफिट, बहुत अच्छे, शायद हम गलत साबित होने जा रहे हैं। हम नेक्स्ट डे पे आ गए, 520 के लॉस से शुरू किया है। क्या हम सचमुच गलत साबित होने जा रहे हैं? लगभग 2 घंटे बीतने को आए और हम अभी तक लॉस में हैं 375 के। पर ये लॉस अपने आप में काफी नॉमिनल सा है। एक बचने को आया है और अभी भी हम लॉस में चल रहे हैं।
एक बार इस दिन को पूरा टेस्ट करके देख ही लेते हैं। लगभग 1.25 घंटा और बचा है ट्रेड का। लॉस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो 677 का लॉस है, इसको मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर लेता हूं। आइए अब बढ़ते हैं अगले दिन यानी कि 18th of December, जो कि मैंने पहले से ही डेट लगा दी है आपका समय बचाने के लिए, और ये हमने ट्रेड भी ले लिया है वही 3 बजे और वही पैरामीटर्स फॉलो करे हैं जो हम रूल में आपको शुरू में बता चुके हैं। तो आइए अब टेस्ट करते हैं, और एक काम करते हैं समय बचाने के लिए इसको हम 15 मिनट्स कर देते हैं अगर आपकी परमिशन है तो। तो 3 बजे 18th of December को हमने ट्रेड बनाया है 19th of December के लिए। हम नेक्स्ट डे में आ गए हैं, 657 का लॉस चल रहा है। एक घंटा हो चुका है और 500 का लॉस, 730 का लॉस, और आपको याद है ना कि 1000 का लॉस होने पर हम एग्जिट कर देंगे। ये लीजिए 1000 का लॉस हुआ है, हमने एग्जिट कर दिया है। तो इसको भी 1092 की फिगर को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लीजिए हम थर्ड डे की बैक टेस्टिंग के लिए तैयार हैं। 15th of January को हम ट्रेड लेंगे 16th of January के लिए, और एक्सपायरी डे होगा 18th of January, और ये हमने ट्रेड बना लिया है 3 बजे फॉर द नेक्स्ट डे। बिना समय गंवाए इसको बैक टेस्ट शुरू करते हैं, और इसको भी मैं 15 मिनट कर देता हूँ। आपका ध्यान बस मैं इधर चाहूँगा। तो 12 बज चुके हैं 16 जनवरी को, हम एक छोटे से लॉस में चल रहे हैं। और हमेशा की तरह हम 1000 रुपए के लॉस पे एग्जिट कर लेंगे। ₹557 का प्रॉफिट, ₹180 का प्रॉफिट, ₹80 का प्रॉफिट। एक घंटा रह गया है, 72 का प्रॉफिट, 192 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट। तो ये मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। 415 का हमें प्रॉफिट मिला है जो मेरी उम्मीद से हटके था। 415। तो आपको इसके रूल्स और यूनिक ऑब्जर्वेशंस याद है ना, कि अगर तो हमें लगता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होगी अगले दिन, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा देर या सवेर। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग ना रही, चाहे हमारा अनुमान गलत हो गया या मार्केट वाकई में ट्रेंडिंग नहीं रही, तो हमें लॉस के चांसेस ज्यादा है।
दोस्तों एक बड़ी यूनिक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि चाहे हम लॉस वाले डेज को भी काउंट कर लें तो टोटल 6 दिन का प्रॉफिट बनता है 6428 और 22,000 रुपये की कैपिटल के ऊपर ये 29% है। एक तरह से आप कह सकते हैं प्रॉफिट फॉर वन वीक। और एक साल में मैं 52 यानी 52 वीक ना लगाते हुए भी 40 वीक लगाता हूँ तो ये प्रॉफिट बन के आता है मैसिव 1159 यानी 1169%। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, परंतु आप भी टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा और हाँ, एक लाइक तो बनता ही है इतनी मेहनत का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।